संथाल परगना में प्रचलित संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी SPT के अनुसार यहाँ की जमीन के स्वामित्व हस्तांतरण पर रोक है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही उपायुक्त को अधिकार है कि भूमि अर्जन कर मुआवजा देने के पश्चात विकास के कार्य करवाएं। लेकिन यहाँ सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण होने और उसके मुआवजा देने से पहले ही ठेकेदार रंगदारी से सड़क बनवा रहा है। आपको बता दें कि दुमका के शिकारी पाड़ा प्रखंड में पहाड़ी से होकर एक सड़क प्रस्तावित है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनके जमीन का मुआवजा दिए बिना ही ठेकेदार सड़क बनवाने के लिए दबंगई कर रहा है। इससे परेशान किसानों ने पहले स्थानीय अधिकारियों को मुआवजा ना मिलने और ठेकेदार द्वारा जबरन सड़क बनाने की बात कर मामले को सुलझाना चाहा, लेकिन जब बात नहीं बनी तो किसानों ने एकजुट होकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के शिकायत कोषांग में शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। अपना खेत दबा रहा है, इसलिए हम लोग मना करने जा रहे हैं तो लोग सुनता ही नहीं। कौन नहीं सुनता है? ठेकेदार काम कर रहा है। सरकार द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात मुआवजा देने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने का विधान है, लेकिन शिकारी पाड़ा की जो घटना सामने आ रही है जिसमें ग्रामीण यह आरोप लगा रहे हैं उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ और ठेकेदार जबरन उस पर सड़क बनवा रहा है, ऐसी घटना संथाल परगना के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। दरअसल यहाँ जो जमीन का सर्वे का काम हो रहा है, एक तो वह अपने निर्धारित अवधि 10 वर्ष से दूने समय में भी पूरा नहीं हुआ है और जो कुछ अधूरा हुआ है उसमें भी भारी गड़बड़ियाँ हैं। पुराना खतियान में नाम किसी और का है तो नए में किसी और का, और फिर भू अर्जन जो है विभाग में भी बहुत सारे दलाल हैं जो कि किसी का पैसा किसी को दिलवा देते हैं, तो ऐसे में यहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं वो स्वाभाविक हैं। लेकिन हो सकता है कि भू अर्जन विभाग ने मुआवजा दे भी दिया हो, लेकिन सरकार का यह काम नहीं है कि वो दबंगई से काम करे। उसे तो हर हाल में जो मामला है उसको सुलझा करके सभी पक्षों को एक साथ जुटा करके निर्णय करने के पश्चात ही विकास कार्य करना चाहिए। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।